गाइस आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको तैयार किया हुआ है। अभी हम फाइनली इसको तैयार कर चुके हैं। अभी हम फाइनल तैयार करने का तो आपको बता देते हैं किस तरीके से इसको। सबसे पहले हम ये वाली ड्रॉप वार्डरोब ये खोलेंगे। तो ये कवर देखिए किस तरीके से किया हुआ है। इन साइड में जो सनमाइका लगी हुई है वो हमने व्हाइट ना लगा के लाइनर लगा रखी है, ठीक है, लाइनर लगा रखी है। और गहराई इसकी है 21 इंच इसकी गहराई दे रखी है हमने टोटल। और शेल्फ आप देख रहे हैं इसमें 4 शेल्फ डले हुए हैं, यानी 5 बॉक्स बने हुए हैं। और सबको 12-12 13-13 इंच के हिसाब से हमने कन्वर्ट किया। ये 6 फीट की हाइट में बनी हुई है और 35 इंच इस तरीके से चौड़ाई बनी हुई है। तो ये कपड़े रखने के हिसाब से हमने मैनेज किया है कि कपड़े इजिली तरीके से आप प्रेस करके रख सकते हैं। देखिए आप कभी क्या होता है खन बड़े हो जाते हैं तो कपड़े तराव पर रखने पर गिरने लगते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अगर यहाँ पे 2 या 3 लेयर में आप रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लेयर में कपड़े रखेंगे इजिली आपके कपड़े बराबर तरीके से रख जाएंगे। नीचे स्टोरेज का कोई सामान जैसे इनका रखा हुआ उस तरीके से आप रख सकते हैं। और जस्ट देखिए दोस्तों ये 35 इंची की ये बनाने के बाद हमने जस्ट यहाँ एक ड्रेसिंग लुक दिया है। तो यहाँ ड्रेसिंग लुक दिया है तो नीचे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ड्रॉर, ये ड्रॉर है, इसमें अपना सामान मटेरियल जो रहेगा वो रख सकते हैं। ड्रॉर के भीतर जो सामान है आप अपना रख सकते हैं। और जगह हमने ओपन रखी हुई है, इसमें ये फायदा होगा कि अगर आप कभी ड्रेसिंग का ये वाला पल्ला जब खोलते हैं तो सामान रखा रहेगा तो अड़ेगा नहीं, और सामान कोई भी अपना आइटम है वो रख सकते हैं दोस्तों। अभी ये मिरर आप देख रहे हैं, ये मिरर हमने 18x45 इंच का मिरर दे रखा है और टोटल तो 6 फीट की हाइट बना रखी है दोस्तों। और चौड़ाई की बात करें तो ये 22 इंची चौड़ाई में बना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों अभी हमने इसको खोला है। तो इस तरीके से अपना जो भी अपना सामान है यहाँ पे आप इजिली और बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें रख सकते हैं। काफी स्टोरेज, काफी ज्यादा सामान इसके अंदर आ सकता है। यहाँ दोस्तों एक लाइट लगनी है, यहाँ पे लाइट की जगह है वायर हमने छोड़ रखा है। ये देखिए ये वायर है, ये हमने छोड़ रखा है, यहाँ एक लाइट लगेगी, ठीक है। तो लाइट का जो काम है वो बाद में होगा। यहाँ एक नॉब लगना बाकी है, जिस तरीके से यहाँ नॉब लगी उसी तरीके से यहाँ लगेगी, अभी लगी नहीं है वो नॉब। तो अब हम चलते हैं आगे और आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए दोस्तों एक यहाँ पे भी हमने 35 इंची का बना रखा है, जिसमें कि हमने ये 13-13 इंची के बॉक्सेस हमारे आ रखे हैं। और इसके बाद हमने ये 40 इंची का बॉक्स हमने कोट के लिए छोड़ा हुआ है। कोट आप देख रहे हैं कितना इजी तरीके से बहुत सारे कोट इसमें आ जाएंगे। और कपड़े प्रेस करके भी यहाँ रखे हुए हैं, कपड़े जो है प्रेस करके आप इजिली रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ तैयार किया हुआ है। और गाइस देखिए यहाँ देखिए फाइनली हम लास्ट में आ चुके हैं। और लास्ट में हमने किस तरीके से इसको किया हुआ है आपको जो पूरा वहां से लेके यहाँ तक आप देख पा रहे हैं वार्डरोब लग रहा है, वार्डरोब ही है, लग क्या रहा है वार्डरोब है। बट हमने इसको यहाँ किस तरीके से यूज किया हुआ ये देखिए। यहाँ पे अपना हार्पिक है या नहाने के साबुन है या टॉयलेट का क्लीनर वगैरह ये सब यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के जूते चप्पल भी यहाँ इजिली रख सकते हैं। सूरक भी ये कन्वर्ट सूरक हो गया। तो ये देखिए यहाँ देखिए कन्वर्ट सूरज है, ये नीचे से आप स्टार्ट करेंगे तो ऊपर तक आप सूरज। ये हमने दोस्तों 8-8 इंची हमने इसके सॉरी 7-7 इंची इस 7-7 इंची में हमने बॉक्सेस बना रखे हैं और इजिली एक एक जोड़ी करके जो रख सकते हैं। और गहराई इतनी है कि लगातार 2 रखे हुए हैं, एक पीछे एक आगे करके रखा हुआ। तो बहुत सारे जूते यानी करीब 40-50 जोड़ी जूते आप इजिली आप इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे टूथपेस्ट वगैरह जो भी अपना टाइम में छोटा मोटा या बाथरूम का यूज करने वाला साबुन सोडा जो भी रहता है आप इसमें इजीली रख सकते हैं बॉक्सेस में। इसको थोड़ा हमने बड़ा बनाया है। ये हमने पल्ले अलग अलग क्यों खोले हैं कि इसमें कोई भी डेली यूजेस का सामान और इसमें जो रैक है जूते वगैरह रख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको अलग अलग बना दिया है। तो गाइस इसकी पूरी लंबाई की बात कर रहे थे, 10.5 फिट की लंबाई है और 6 फिट की इसकी हाइट है। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा वार्डरोब प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और हमें सपोर्ट करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है इस बात के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।